कमांड वर्ड ऑफ 8279। देखिए इसमें हम पहला पार्ट करेंगे जो कमांड वर्ड होते हैं उनके स्टेटस में, अगर जो रीड और राइट फंक्शन परफॉर्म होते हैं, जो चिप सिलेक्ट पिन होनी चाहिए वो जीरो होनी चाहिए। अगर चिप सिलेक्ट पिन जीरो होगी तभी 8279 वर्क करेगा, और जो A0 पिन होती है वो 1 होनी चाहिए। यानी कि जो स्टेटस वर्ड्स होते हैं राइट रीड के, वो A0 जब 1 होगी, चिप सेलेक्ट 0 होगी, तब 8279 साथ वर्क करेंगे। रीड करना है, राइट करना है, ट्रू फॉर्म जैसे भी होगा उस तरह वर्क करेंगे। अब इसका पहला जो कमांड वर्ड है वो है कीबोर्ड डिस्प्ले मोड सेट। कीबोर्ड डिस्प्ले मोड सेट, देखिए इसमें क्या होगा, जो A0 बिट होगी वो 1 रहेगी। देखिए हमने पहले ही कहा था कि जो कमांड वर्ड है उसमें A0 1 होनी चाहिए, तो A0 बिट रहेगी 1, और D0 से D7 तक शो करेंगी, जिसमें D7, D6 और D5 ये तीनों 0 रहेंगी, लेकिन D3 और D4 D को शो करेंगी, और D0 1 2 K को शो करेंगी। अब इसके बारे में कीबोर्ड डिस्प्ले मोड, कीबोर्ड डिस्प्ले मोड में हमने 4 मोड्स किए थे जो हमने लास्ट टॉपिक्स में किए थे, अब वही होगा इसमें। सबसे पहले D3 और D4 बिट को देखते हैं जो कि दोनों D को रिप्रेजेंट करती हैं। देखिए इस मोड में ये डिस्प्ले मोड शो, यानी डिस्प्ले मोड में, कीबोर्ड डिस्प्ले मोड में ये क्या करेगा, अगर दोनों बिट्स D और D दोनों 0 हैं तो क्या शो करेगी कि 8 बिट करेक्टर एंट्री होगी जो कि लेफ्ट एंट्री होगी। लास्ट टॉपिक हम लेफ्ट एंट्री की थी, लेकिन अगर D4 0 है और D3 1 है तो 16 8 बिट करेक्टर में लेफ्ट एंट्री होगी, ठीक है ना, 16 8 बिट करेक्टर, और अगर 0 0 है तो 8 बिट करेक्टर, अगर 1 0 है तो 8 बिट करेक्टर राइट एंट्री होगी, ठीक है ना। ये सब हम लास्ट टॉपिक्स में कर चुके हैं, लेफ्ट एंट्री क्या होती है, राइट एंट्री क्या होती है, और अगर 1 1 होगी तो 16 8 बिट करेक्टर राइट एंट्री होगी, ठीक है ना। यानी राइट में सबसे पहले आएगा, फिर जब नेक्स्ट करेक्टर आएगा तो वो शिफ्ट हो जाएगा लेफ्ट में, फिर 1 बाय 1 वो शिफ्ट होते रहेंगे, और लेफ्ट में शिफ्ट नहीं होता, 1 बाय 1 लेफ्ट टू राइट चलता है जैसे हम कॉपी में राइट करते हैं। ये तो D3 और D4 की बात होगी। अब D0, D1 और D2, यानी कि ये तीनों बिट्स D0, D1, D2 जो कि K को रिप्रेजेंट करती हैं, ये देखिए ये क्या शो करेंगी, ये कीबोर्ड मोड को शो करेंगी। कीबोर्ड मोड्स, 4 टाइप के कीबोर्ड मोड्स होते हैं जो कि हम इसके कीबोर्ड मोड में किया था, ठीक है ना। 4 टाइप्स के कीबोर्ड मोड किए थे, एक तो था स्कैन कीबोर्ड मोड विद 2 की लॉकआउट, सेकेंड था स्कैन कीबोर्ड विद N की रोल ओवर, थर्ड था स्कैन की स्पेशल एरर मोड, और फोर्थ था सेंसर मैट्रिक्स मोड। ये यही फंक्शन करेंगे, लेकिन फर्क क्या होगा एनकोड और डिकोड के साथ। यानी अगर ये तीनों बिट 0 0 हैं, 0 0 0, तो एनकोड होगा स्कैन 2 की लॉकआउट, यानी फर्स्ट मोड जो होगा, और अगर 0 0 1 है तो डिकोड होगा स्कैन 2 की लॉकआउट। अगर 0 1 0 है तो एनकोड होगा स्कैन N की रोल ओवर, और अगर 0 1 1 है तो ये डिकोड होगा। अगर 1 0 0 है तो एनकोड होगा स्कैन सेंसर मैट्रिक्स, अगर 1 0 1 है तो डिकोड होगा स्कैन सेंसर मैट्रिक्स, अगर 1 1 0 है तो स्ट्रोब इनपुट एनकोड स्कैन को शो करेगा, अगर 1 1 है तो स्ट्रोब इनपुट डिकोड स्कैन को शो करेगा। ये कीबोर्ड डिस्प्ले मोड सेट होता है, इनके बारे में कंप्लीट हम लास्ट टॉपिक्स में कर चुके हैं कि क्या होती है। नेक्स्ट होता है कमांड वर्ड जो कि होता है प्रोग्रामेबल क्लॉक। प्रोग्रामेबल क्लॉक क्या होती है, जो क्लॉक ऑपरेशन होती है 8279 की, वो ऑपरेट करती है डिवाइडिंग एक्सटर्नल क्लॉक इनपुट सिग्नल से, जो कि प्रोग्राम्ड कॉन्स्टेंट होती है, और इसको प्री स्केलर बोलते हैं। A0 तो देखिए 1 ही रहेगी, A0 हमेशा 1 ही रहेगी, D6 और D7 दोनों 0 रहेंगी, और D5 1 रहेगी, लेकिन D0 से D4 जो कि P, यानी 5 टाइम P को रिप्रेजेंट करती है, ये जो 5 टाइम P है ये 5 बिट कॉन्स्टेंट को शो करते हैं, और जो इनपुट फ्रीक्वेंसी होती है वो डिवाइडेड होती है डेसिमल कॉन्स्टेंट रेंज से, जो कि 2 से लेकर 31 तक होगी, और जो इंटरनल प्री स्केलर को शो करेगी, डिवाइड होगी ये
बिट इंटरनल पी स्केलर से, जिसको पी 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 से शो किया जाता है। थर्ड है रीड फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यानी रीड फीफो और सेंसर रैम। इसमें क्या होगा, ए जीरो वन रहेगी, डी सेवन जीरो रहेगी, डी सिक्स वन रहेगी, डी फाइव जीरो रहेगी, और डी थ्री जो कि क्रॉस है यानी डोंट केयर, ये जीरो हो वन हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ए जीरो वन ही रहेगी, और डी जीरो डी वन डी टू जो कि ट्रिपल ए को शो करती है, डी फोर जो कि ए आई को शो करती है, एक्स डोंट केयर है, ए आई शो करता है ऑटोमेटिक इंक्रीमेंट फ्लैग, और ट्रिपल ए शो करता है एड्रेस पॉइंटर टू फोर बीट फर्स्ट इन फर्स्ट आउट रैम को। इसमें अगर सेंसर कीबोर्ड मोड है तो जो ए आई है और ट्रिपल ए बिट्स हैं यानी डी फोर बिट और डी जीरो डी वन और डी टू बिट, इनका कोई यूज नहीं होगा अगर स्कैंड कीबोर्ड मोड है, स्कैन मोड में अगर कीबोर्ड स्कैन हो रहा है, ठीक है। लेकिन अगर यानी अगर स्कैन कीबोर्ड मोड होगा तो 8279 जो ऑटोमेटिकली ड्राइव करेगा डाटा बसेस को और सब सीक्वेंस रीड करेगा, एक पर्ट यानी सेम सीक्वेंस में ही रीड करेगा जिस सीक्वेंस में डाटा एंट्री हुआ है। लेकिन सेंसर मैट्रिक्स मोड में क्या होगा, सेंट्रल मैट्रिक्स मोड्स में जो बिट ए ए ए है वो एट रोज होंगे ना, 0000001 उसमें से एक सिलेक्ट करेगा, यानी एट रोज में से रैम की एक रो को सिलेक्ट करेगा। इफ अगर ए आई यानी जो ऑटोमेटिक इंक्रीमेंट है डी फोर बिट, अगर ये सेट है और जो रीड होगी वो सबसिक्वेंशली रैम लोकेशन से होगी, ये हो गया रीड फीफो सेंसर रैम। नेक्स्ट है रीड डिस्प्ले रैम। रीड डिस्प्ले रैम में देखिए ए जीरो ऑब्वियसली वन रहेगा, ये तो हमने पहले ही कह दिया था, डी सेवन जीरो रहेगा, डी सिक्स और डी सेवन वन वन रहेंगे, बाकी डी फोर ए आई जो कि ऑटोमेटिक इंक्रीमेंट को शो करता है, और डी जीरो से डी थ्री जो कि फोर ए को शो करते हैं, फोर ए जो कि एड्रेस पॉइंटर होता है, फोर बिट एड्रेस पॉइंटर जो कि 16 बाइट डिस्प्ले रैम को शो करेगा। अगर डी फोर बिट जो कि ए आई बिट है, ऑटोमेटिक इंक्रीमेंट बिट है, अगर ये वन हुई तो जो एड्रेस होगा वो ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट होगा रीड और राइट डिस्प्ले रैम के लिए, और सेम एड्रेस काउंटर जो होगा वो रीड और राइटिंग के लिए, रीडिंग और राइटिंग के लिए यूज होगा, ये रीड डिस्प्ले रैम होता है। नेक्स्ट कमांड वर्ड्स जो होंगे इसके वो हम नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप और वीडियोस के लिए हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।